सो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्लास सिक्स का चैप्टर फर्स्ट द रिलेटेड मफ। अब इसमें पढ़ना नहीं, इसका बस रिवीजन चल रहा है, तो मैं आपको समरी बताता हूँ इसमें होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है। तो ये क्रिसमस के टाइम रहता है और इसमें होता क्या कि कुछ कैरेक्टर्स है, जैसे कि रूपर्ट हो गया, सिडनी हो गई, एला हो गई, हिल्डा हो गई, तो ये सब कुछ कैरेक्टर हैं जिसके बारे में आगे चल करके हम लोग को पता चलते रहे। तो ये जो रूपर्ट की मॉम होती है वो क्या करती है कि सिडनी के मदर को देखने के लिए, जो कि वापस लौटी होती है इंडिया से, ठीक उसको देखने के लिए वो क्या करती है, जाती है, ठीक, जो कि एक होटल में रुकी हुई रहती है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। रूपर्ट की मदर की स्टोरी ये थी कि जो कि होटल में देखने के लिए जाती है और सिडनी की मदर का तबीयत ख़राब था, और रूपर्ट के जो फादर थे वो कहीं दूर गए हुए थे अपने सिप के साथ, यानी कि उनका वो सिप पे ही रहते थे, सिप पे रहते थे और उसी का उनका जॉब भी था, इट में भी उनका खुद का भी सिप हो सकता है। फिर उसके बाद रूपर्ट जो है वो अपनी माँ को गुड बाय बोलता है और उसके बाद माँ चली जाती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि रूपर्ट की जो माँ होती है वो वापस आती है अपने साथ एक कैब में, और वहाँ पे वो सिडनी को नीचे उतारती है और बोलती है क्या कि इसका ख्याल रखना, ठीक, और ये बोल करके मम्मी वहाँ से चली जाती है और बस एक चीज़ बोलती है कि ही इज़ योर कज़न सिडनी, बी नाइस टू हिम एंड गिव हिम अ गुड टाइम, कुछ ऐसा बोल करके वो चली जाती है। उसके बाद जो रूपर्ट था उससे पूछता है कि हाउ डू यू डू, मतलब कैसे हो तुम, इसका वो रिप्लाई देता है कि अच्छा हूँ, थैंक यू, और उसके बाद वो लोग घर अंदर जाते हैं। जाने के बाद एक्चुअली ये रूपर्ट जो था वो थोड़ा सा सबसे लोगों से बात करने वाला था, लेकिन जो सिडनी था वो ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहा था, ठीक। इसी बीच में रूपर्ट ने उसको बोला क्या तुम कोई गेम खेलना पसंद करोगे या गेम खेलते हो, तो सिडनी ने रिप्लाई किया बस कुछ गेम, तो उसके टोन से ऐसा लग रहा था कि वो जो गेम खेलता शायद वो हम लोग नहीं जानते हो या तो फिर हमारे वो लेवल का नहीं हो, ठीक, कुछ इस तरीके से रूपर्ट अजम्पशन लगा लेता। तभी हिल्डा आती है और बोलती कि चलो हम तुम्हारे लिए एक लवली सरप्राइज़ है रूपर्ट और सिडनी, ठीक। ये लोग कुछ समझ पाते, कहीं पे जा पाते, रुके हुए थे, तभी क्या होता है जब तक ये रूपर्ट कुछ समझ पाता तब तक क्या था कि वो वहाँ से उसको बोल करके चली गई थी। एंड देन ही सेड, उसके बाद मैंने उससे पूछा, सिडनी से बोला क्या, इज़ देयर एनीथिंग यू लाइक टू डू, मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो तुम करना चाहते हो, तो सिडनी बोला क्या, नो थैंक यू, मतलब वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। नाइदर ऑफ अस सेड एनीथिंग फॉर अ बिट, हम लोगों ने कुछ पल के लिए, मतलब रूपर्ट और सिडनी ने कुछ पल के लिए कुछ भी नहीं बोला। तभी उधर से जो और भी बच्चे थे वो सारे मिलकर के एक छोटा सा जोर से आवाज़ निकालते हैं हॉल में, ठीक। तभी रूपर्ट उसको बोलता है क्या तुम पढ़ना पसंद करोगे, ठीक, थोड़ा सा वो खींच जाता, मतलब थोड़ा सा चिढ़ता है, लेकिन उसके बाद बोलता है क्या तुम पढ़ना पसंद करोगे, तो वो बोलता है क्या, यस। अभी सिडनी ने पहली बार हाँ बोला, और वो भी तो किस चीज़ के लिए, तो बस पढ़ने के लिए। देन उसके बाद उसने एक बुक लिया और वो उसको पढ़ना शुरू कर लिया। सेकंड मैंने सोचा कि चलो मैं भी जाता हूँ, यानी कि रूपर्ट ने सोचा कि चलो मैं जाता हूँ और मैं जा करके उनकी हेल्प करता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, इसमें जहाँ कहीं भी आई है वो रूपर्ट के लिए यूज़ किया गया। हिल्डा का आइडिया क्या था, इंडियंस, यानी कि रेड इंडियन, और वो भी तो क्या, आई थाउट अ बिग बैम वुड बी अ नाइस, बिग बैम क्या होता है, तो एक नेटिव अमेरिकन लोग जो थे वो डूम से टेंट में रहते थे, उसी को क्या बोला जाता था, बिग बैम बोला जाता था, जो कि हॉल में उन्होंने बनाया, ठीक, और टेबल क्लॉथ्स को फ्लोर पे ही रख करके, मतलब फैला करके, और उसके बाद उसने बना। साथ ही साथ स्ट्रिप्स के लिए उसने क्या किया, स्ट्रिप वाला जो, मतलब उसको और डिजाइनिंग करने के लिए उसने क्या किया, जो स्ट्रिप वाला जो ब्लैंकेट्स था बेड पे उसको भी लेकर के आ गया, और पुट ऑन मदर्स बीड्स एंड वॉर पेंटिंग्स, और उसके बाद उसने वीर और वॉर पेंट्स इधर उधर छिड़का दिए, सो डैट कि वो एग्जैक्ट वैसा ही लगे, यानी कि लोगों ने क्या, मतलब वहाँ पे जितने भी बच्चे थे उन लोगों ने क्या किया, अपने ऊपर वो कलर्स वगैरह लगाना शुरू कर दिया ताकि वो एग्जैक्ट रेड इंडियंस जैसे दिखे। अब ये रेड इंडियंस होता क्या है, तो ये बेसिकली रेड इंडियंस नेटिव अमेरिकन को बोला जाता था, जो कि अभी बहुत ही अमेरिका में भी ये बहुत कम है, ठीक। उसके बाद जब देन बी सेंट एल्ज, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सिडनी को इसके बारे में बताया कि जाओ जाकर के सिडनी को बोलो कि सरप्राइज रेडी है उसको आने के लिए। उसके बाद देन वी गो टू बॉटम ऑफ द स्टेयर, बी वर्स्ट फोर्थ ऑफ
आवर वॉर पेंट फॉर द बिग बैम फ्रॉम द बिग बैम। उसके बाद ये बोलता है कि वहाँ से जो वॉर पेंट था यानी कि जो लड़ाई जैसा जो सीन क्रिएट करना था उसके लिए इसने वॉर पेंट्स वगैरह को फेंकना शुरू किया या तो फिर ब्रस्ट करना शुरू कर आवाज़ निकलनी शुरू हो गई और इंडियंस जो थे वो फाइनेस्ट वॉर डांस करते थे उन लोगों ने वो भी किया। टेक आई हैव सीन इन फ्रंट ऑफ आर कज़न। और तभी जो सिडनी था वो वहाँ पर आ गया। ही गेव वन लिटिल स्क्रीम एंड ही सेट डाउन सडनली एट द बॉटम स्टे विथआउट ही वॉज एडमायर द वॉर डांस टिल एलिजाबेथ वेंट टू हिम एंड शुक हिम। ठीक, और वो जैसे ही ऊपर आया तो उसने थोड़ा सा हम लोगों को देखा और उसके बाद एक छोटी सी चीख उसके मुँह से निकली और उसके बाद सडनली वो बॉटम स्टेप पे बैठ गया और हम लोगों को ऐसा लगा शायद वो जो वॉर डांस था जिसको देख करके वो इस तरीके से हो गया। एलिजा उसके पास गई और उसको हिलाई, स्टॉप डैट नॉइज, और वो जोर से चिल्लाई क्या कि तुम लोग आवाज़ बंद करो, ये बेहोश हो गया है। ऑफकोर्स वी वेर सॉरी, हम लोगों को मतलब थोड़ा सा गिल्ट फील हुआ। ठीक, बट वी नेवर थाउट ही हैड बी अ सच अ मफ एज टू बी फ्रिटेंड ऑफ थ्री रेड इंडियन। लेकिन हम लोगों को कभी ये नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा बेवकूफ़ होगा जो कि हम तीन इंडियंस थ्री रेड इंडियंस को देख करके वो इतना ज़्यादा डर गया होगा। उसके बाद क्या बोलता है, तो ये बोलती क्या आई विश बी हैडंट हेल्ड द सेड। तो ये बोलती क्या मैं विश करती हूँ कि साथ हम लोग को देख करके ऐसा ना हुआ। एंड आई सेड बी could not have expect our। तो इसके बाद रूपर्ट ने बोला क्या कि मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मेरा जो कज़न है वो इतना ज़्यादा चिकन हर्टेड मफ है। ठीक है, तो फिर चिकन हर्टेड बॉय है ऐसा कुछ वो सोच रहा था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट डे जो था वो क्रिसमस का डे था, सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, सिडनी भी, लेकिन वी वेर सॉरी अबाउट द सिडनी। उसके बाद वो लोग जाते हैं रूपर्ट सिडनी के पास और बोलते क्या हमको कल के लिए आप सॉरी चाहिए यार, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि तुम रेड इंडियन से इस तरीके का प्रॉब्लम जो भी था उसके सामने उसने एक्सप्लेन किया। सिडनी बोला क्या इट डजेंट मैटर आई एम सॉरी टू ओनली आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट। तो ये अभी सिडनी भी उनसे सॉरी बोलता है कि देखो बात ये थी कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से तुम लोग होगे, इसके लिए थोड़ा मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो गया। हम लोगों ने उसको दो से तीन गेम भी सजेस्ट किया लेकिन अब सिडनी ने बोला कि नहीं मैं पढ़ना ही ठीक रहेगा। और हम लोग फिर चले गए इंडियन गेम्स खेलने के लिए यानी कि रेड इंडियन गेम वाले खेलने के लिए। और इसने क्या किया ट्रेजर आइलैंड का बुक निकाल करके वो पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया रेड इंडियन खेलना शुरू किया। ठीक, और वहाँ पे क्या था नो कैजुअलिटी एक्सेप्ट अ गैस ग्लोब। वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक गैस ग्लोब था जिससे कि थोड़ी बहुत कैजुअलिटीज मतलब किसी तरीके का प्रॉब्लम हो सकता था। आफ्टर लंच विथआउट अ फ्लाइंग मशीन, लंच होने के बाद हम लोगों ने सोचा क्या फ्लाइंग मशीन के लिए। और हिल्डा और ह्यूज जो थे उन्होंने विंग्स बनाए कुछ सीट ऑफ येलो एंड पिंक पेपर का, और जिस तरीके से फेरीज का होता और अप एंड डाउन वो स्टेयर्स पे हो रही थी। लेकिन सिडनी जो था वो अभी भी बॉटम ऑफ द स्टेयर बैठा हुआ था और वो रेडी कर रहा था। आई वॉज डिटरमाइनिंग टू हैव अ फ्लाइंग मशीन विद रियल विंग्स। और मैं ऐसा सोच रहा था, यानी रूपर्ट बोलता कि मैं ऐसा सोच रहा था कि मेरे पास काश ऐसा फ्लाइंग मशीन होता जिसमें कि रियल विंग्स होता। आई फैसेंड विंग्स विद न्यूज़पेपर टाइड ऑन इट्स स्ट्रिंग, देन आई गॉट अ टी ट्री एंड फैस्टेंड इट टू हिज बेल्ट। उसके बाद ये बोलता है क्या कि मैंने क्या किया कि और भी पेपर्स लिए और उसके बाद वो जो विंग्स था उसके साथ कनेक्ट किया, फिर टी ट्रे भी लिया और उसको बेल्ट के पास रखा भी लेकर के गया। आई स्लिप्ड माई आर्म इन बिटवीन द स्ट्रिंग ऑफ विंग्स एंड गोइंग टू टॉप ऑफ द स्टेयर शाउटेड लुक आउट बिलो देयर। और उसके बाद इसने क्या बोलता है कि इसका जो आर्म था वो थोड़ा स्लिप हुआ और उसके बाद स्ट्रिंग ऑफ द विंग्स यानी कि विंग्स में जो भी लगा हुआ जो था जो पेपर का उसने लगाया था वो डाउन स्टेयर के नीचे चला गया। और तभी ये जोर से बोलता है कि देखो लुक एट बिलो देयर, नीचे देखो क्या है, यानी कि वो जो स्ट्रिंग्स लगा था उसके बारे में बताता है। देन आई सेट डाउन ऑन द ट्रे एंड टबग स्पलेंडली डाउन द स्टेयर। और उसके बाद मैं वहाँ से नीचे की ओर देखा और कुछ नहीं किया क्योंकि उस समय भी अभी तक वो क्या था वो बस पड़ ही रहा था। आई फेल्ट मोर लाइक फ्लाइंग देन एनी थिंग आई हैड इवर प्लेड एट। और इसको ऐसा लग रहा था कि अभी तक इसने इस तरह कोई भी गेम नहीं खेला लेकिन सोच रहा था काश मैं ऐसा कभी करता। बट हिल्डा वॉज स्टिल फ्लटरिंग अबाउट हाफ वे डाउन द स्टेयर्स व्हेन द फ्लाइंग मशीन केम। उसके बाद क्या करता है हिल्डा जो थी वो थोड़ा सा
फ्लाई करने लगी, मतलब अपने पंखों के साथ। वो उड़ नहीं रही थी, बस वो कर रही थी। और उसके बाद वो जाते जाते एक जो कैजुअलिटी वाला जो गैस ग्लोब था वहां पे जाकर उसका विंग्स चला जाता, पेपर विंग्स जो कि गैस में चला जाता, और उसके बाद वो फ्लेम अप हो जाता है, जिसके कारण से उसके हेयर भी फ्लिजल हो जाते हैं और उसका जो लेस कॉलर था उसमें आग लग जाता है। हिल्दा जो थी बहुत जोर से स्क्रीम करती है, चिल्लाती है, ठीक। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया उस समय। लेकिन तभी क्या था कि स्टेयर से वो आता है और वो जो ट्रेजर आइलैंड पढ़ रहा था वो उसको बुक को अपने फेंक देता है, जो कि स्पिन करते हुए नीचे गिरता, और वो आता है सिडनी जो आता और फ्लोर पे हिल्दा को रग करना, रोल करना शुरू कर देता। और वो बहुत जोर जोर से चिल्ला भी रही थी रश डाउन द स्टेयर केस, और हम लोग भी नीचे आ गए, ठीक। तब तक वो उसको क्या कर रहा था, रोल ही कर रहा था फ्लोर पे, ठीक। हिल्दा फाउट एंड स्ट्रगल वाइल आई ट्राई टू एक्सट्रिक्रेट myself from the mirror। और उसके बाद हिल्दा ट्राई कर रही थी, और मैंने उस हिल्दा जो थी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी उस बिंग्स को अपने से हटाने के लिए। मैंने भी उसको ट्राई किया और उसको उसके बिंग से अलग किया, और वो जो टी ट्रे था उससे भी। यू स्लाइड डाउन द बैनिस्टर एंड सेट देयर एलिंग, और यू जो था बैनिस्टर यानी कि जो रेलिंग होता है उस पे से वो स्लाइड करके नीचे आता और वहाँ पे वो भी रहता। तभी इतने में सर्वेंट्स केम रसिंग इन, और जो भी नौकर थे घर में वो भी जल्दी जल्दी फिर आ जाते हैं। कुछ टाइम के बाद जो आग था वो आग पे लोग काबू पा लेते हैं। सिडनी जो था वो कहता है कि अभी सारी चीज ठीक है, यू आरेंट बर्न, हिल्दा आर यू, और वो हिल्दा से पूछता है क्या तुम जली तो नहीं ना, ठीक। हिल्दा बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो इधर उधर एल्जा जो थी वो भी इधर उधर देखती है, उसको देखती है कि उसको कुछ हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन उसको हुआ था कुछ नहीं, बस नेक पे थोड़ा सा बर्न हो गया था और उसके जो हेयर थे वो फ्रिजल होकर के मतलब जलने के वजह से थोड़े शॉर्ट हो गए थे। एवरीवन वहीं पे था, रादर ब्रेथलेस और पेल थे, मतलब कि वो लोग अभी बहुत ज़्यादा स्तब्ध हो गए थे, सोच रहे थे कि ये हो क्या गया, ठीक। तभी उन लोगों को रूपर्ट को ऐसा लगा कि नहीं, सिडनी जो है वो रिलेटेड, वो कोई मफ नहीं है, वो एक हीरो है, ठीक। मैंने उसको कल मफ बोला था इसके लिए, वो सॉरी उसको बोलता। वो दोनों एक दूसरे से शेक हैंड करते हैं। सिडनी जो था वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है, ठीक। तो मैंने पूछा क्या कि क्या तुमको कोई दर्द है, तो वो बोलता है क्या कि हाथ उसको एक्चुअली थोड़ा सा जल गया था जब वो हिल्दा को बचा रहा था। तो उसके बाद ये एक दूसरे को यानी कि जो रूबर्ट था उसे पार्डन यानी माफ़ी मांगता, और उसके बाद बोलता है यार तुम तो हीरो हो, ठीक। सिडनी भी उससे हैंड मिलाता, और उसके बाद वो सब एक दूसरे को गेम को पसंद करते। तो ये बोलता है क्या कि मैं ऐसा नहीं कि मुझे तुम्हारा गेम पसंद नहीं चाहे कुछ भी नहीं, लेकिन बात ये गेम, वो मुझे बोलता है क्या कि बात ये मुझे भी गेम पसंद है, ठीक। लेकिन चीज़ें ऐसी कि मेरी माँ बीमार है तो मैं कैसे कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, और सिडनी को ये बोलता है क्या वो कोई मुफ्त नहीं था। और कहीं ना कहीं सिचुएशन कभी कभार ऐसा होता है कि लोग फर्स्ट इम्प्रेशन में जज कर लेते हैं कि सामने वाला जो पर्सन होता है वो कैसा है, लेकिन वो बेसिकली वैसा होता नहीं। जब तक आप उसको अच्छे तरीके से जानोगे नहीं, जज नहीं कर पाओगे। और शायद इसके लिए भी सिडनी थोड़ा सा डर गया था या तो फिर अलग था, क्योंकि वो लोग इंडियंस वाला गेम खेल रहे थे, जो कि शायद अभी तक वो जिस इंडियंस को जानता था वो क्वाइट डिफरेंट थे। ब्लैंकेट्स और बिग बैम्स उसने देखा नहीं था, वॉर डांस देखा नहीं था, इसके लिए शायद वो थोड़ा सा डरा हुआ था।